ये 1 महीना हमें ये सिखाता है कि हमें आने वाले 11 महीने किस तरह से गुजारने हैं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में जब हम रोज़े रखते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब हमारा पेट कहता है कि यार कुछ खा लो, हमारा गला जो सूखा रहता है वो कहता है यार कुछ पी लो, मगर हम जो हमारे दिल में ये कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होता है, नहीं कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, क्योंकि हमने रोज़ा रखा है अल्लाह के लिए। हम अपनी ख्वाहिशों को अल्लाह के लिए कुर्बान कर देते हैं, मगर रमज़ान के बाद क्या 12 महीने, साल के 12 महीने अलग अलग ख्वाहिशें इंसानों के अंदर पैदा होती हैं। न जाने कैसी कैसी ख्वाहिशें इंसान के अंदर आती हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, 12 महीने, साल के 12 महीने हमें अपनी हर ख्वाहिशों को, जो गैर ज़रूरी हैं, जो गैर इस्लामिक हैं, उनके बदले हमें अल्लाह को तरजीह देना है, अल्लाह को इम्पोर्टेंस देना है। रमज़ान का ये महीना जो हमें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है, ये 1 महीना हमें ये सिखाता है कि हमें आने वाले 11 महीने किस तरह से गुजारने हैं। तो सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, ये अपनी आदत, सेल्फ डिसिप्लिन, अपनी भूख, अपनी प्यास ही नहीं, अपनी हर ख्वाहिशों को अल्लाह के लिए कुर्बान कर देने की जो प्रैक्टिस आप रमज़ान में करते हैं, आने वाले 11 महीने भी ऐसे ही कीजिए। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए। हाँ, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाय, अल्लाह हाफिज़।